अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज इब्रो एंड वाचिंग फ्लाफिंग जेड। सो आज हम लोग बात करेंगे फेसबुक ऑडियंस के बारे में, दैट एक्चुअली व्हाट इज फेसबुक ऑडियंस एंड हाउ यू कैन क्रिएट इट। सो फेसबुक की जो ऑडियंस है तीन टाइप की होती है, जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर में हम लोग जिनके थ्रू लोगों को टारगेट करते हैं और एग्जैक्ट कस्टमर को फाइंड आउट करते हैं हम लोग फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ऐड लगाने के बाद। सो एक्चुअल में जो होती है ना ऑडियंस तीन होती है, तो कौन सी होती है हमारे पास? फर्स्ट पे है कोल्ड ऑडियंस, सेकंड पे हमारे पास हॉट ऑडियंस एंड द थर्ड मेरी वार्म ऑडियंस। सो व्हाट इज कोल्ड ऑडियंस? कोल्ड ऑडियंस क्या होती है? कोल्ड ऑडियंस ये होती है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक आपके पेज को या आपके ब्रांड को कभी ओपन नहीं किया, कभी इंटरेक्ट नहीं किया, अभी तक आपके वो फैन नहीं है, कभी आपकी कोई सर्विस यूज नहीं की, तो वो होती है हमारे पास कोल्ड ऑडियंस। मतलब कि यूनिक लोग जिन्होंने अभी तक हमारे किसी भी ब्रांड के किसी भी सिंगल पोस्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, मतलब कुछ अननोन लोग हैं, वो मान लिए हैं कोल्ड ऑडियंस। ओके, जो हॉट ऑडियंस होती है, हॉट ऑडियंस में ये होता है कि वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट किया था और वो ऑलरेडी आपके साथ इंटरेक्टेड हैं, मतलब कि आपके कस्टमर भी बन चुके हैं, आपकी कोई सर्विस यूज़ कर चुके हैं या फिर आपके बिजनेस साथ इंटरेक्टेड हैं, वो होते हैं वार्म ऑडियंस। मतलब कि आपके साथ ऑलरेडी वो लोग इंगेज्ड हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं हॉट ऑडियंस, जिनको हम लोग रिटारगेट करके अपने ब्रांड की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपना ROI मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं हॉट ऑडियंस। और जो वार्म ऑडियंस होती है थर्ड नंबर पर, वार्म ऑडियंस ये होती है कि वो लोग जिन्होंने आपके पेज के साथ इंटरेक्ट किया है, जस्ट इंटरेक्ट किया बट ना आपकी कोई सर्विस यूज़ की है, ना आपके आपकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेस किया है, जस्ट आपकी सर्विस को यूज़ किया और आपके साथ इंगेज हैं, वो होते हैं वार्म ऑडियंस में आते हैं वो लोग। अभी हमने बात की है थ्री टाइप्स ऑफ ऑडियंसिस के बारे में, जिसमें कोल्ड ऑडियंस वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे ब्रांड के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल भी न्यू है हमारे लिए। वार्म ऑडियंस में ये है कि वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी इंटरेक्ट किया है हमारे साथ बट हमारी किसी सर्विस को परचेज नहीं किया है, कभी ऑर्डर नहीं किया, कभी कोई प्रोडक्ट हमारी वो खरीदी नहीं है, कभी किसी सर्विस को यूज़ नहीं किया। एंड जो हमारे पास थर्ड नंबर पे हॉट ऑडियंस है, हॉट ऑडियंस में ये होता है कि वो लोग जिन्होंने आपके ब्रांड से ऑलरेडी इंटरेक्ट भी किया है और आपकी किसी ना किसी सर्विस को परचेज भी किया और आपके प्रोडक्ट को भी परचेज करके वो यूज़ कर रहे हैं, वो आपके हैं हॉट ऑडियंस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमने इनको बनाना कैसे, और अगर आपको नहीं पता कि हम लोग कैसे बनाएंगे अपनी ऑडियंसिस को, सो लेट्स सी एंड जंप टू आवर लैपटॉप स्क्रीन एंड कैसे बनती है हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, और आप लोग कैसे एग्जैक्टली टारगेट कर सकते हो अपने लोगों को, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर वीडियो आपको कंप्लीट देखना ताकि आप लोग हर चीज की समझ आए। एंड थैंक यू सो मच। सो लेट्स जंप टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। ओके, सो अभी हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि आप लोग कैसे अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऑडियंस क्रिएट नहीं करना आता तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑडियंस को कैसे बनाते हैं, हॉट ऑडियंस को, वार्म ऑडियंस को एंड कोल्ड ऑडियंस को। तो ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को पिक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव को पिक नहीं करते, आप वैसे ही डायरेक्टली अपनी ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ऑडियंसिस में जाके वहाँ से भी आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ऑडियंस में आता हूँ और यहाँ से भी आप ऑडियंस बना सकते हो और आप सेपरेट यहाँ से भी बना सकते हो। तो मैं स्टे ऑन दिस पेज करके यहीं से बनाना आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हमने कोई भी एक सी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, कौन सा चूज़ करें, हम यहाँ पे वीडियो व्यूज़ का चूज़ कर लेते हैं और इसको हम सेटअप ऐड काउंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेन जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो ऑडियंस को बनाना। तो ऑडियंस बनाने के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं और हम जस्ट बात करेंगे ऑडियंस को लेके। तो ये हम ऑडियंस में आ गए। अब ऑडियंस में मैंने आपको बताया तीन टाइप की ऑडियंस होती है, वार्म ऑडियंस है, कोल्ड ऑडियंस है और हॉट ऑडियंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोल्ड ऑडियंस के बारे में। कोल्ड ऑडियंस में क्या होता है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक आपके ब्रांड को इंटरेक्ट नहीं किया है, नहीं जानते आपको, आपने उनको अपना ऐड दिखाना है, वो आपके कोल्ड ऑडियंस में आते हैं। तो उसके लिए आप अपने लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब टारगेट कैसे करना है, आप जैसे लाइक मैं अपने ऐड ऑलरेडी रिसेंटली रन करता आया हूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोग तो जानते होंगे मेरे ऐड को, उन्होंने जो देखा भी होगा उस लोगों ने, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड जस्ट शो करूँ इंडिया में। सो मैं यहाँ से सिर्फ इंडिया चूज़ कर लूँगा, इंडिया कंट्री। अब इंडिया कंट्री मैंने चूज़ कर लिया। अब इंडिया कंट्री चूज़ करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ से अब एज आ गई मेरी, एज मैं रख लेता हूँ 18 से लेकर 50 तक। अब 18 ईयर से लेकर 50 ईयर्स ओल्ड के मुझे लोग चाहिए और जेंडर्स में आ रहा हूँ। अब जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है। कंट्री सेलेक्ट करना मुश्किल नहीं है, जिस कंट्री का नेम इंटर करो और आप कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी ऑडियंस बनानी कौन सी है और उनको दिखाना क्या है और कौन से लोगों को आपने क्या चीज़ दिखानी है। तो उसके लिए हम आएँगे डिटेल टारगेटिंग में। तो इसमें हम करते हैं इसको एडिट। अब देखो, अगर
आप एक मोबाइल फ़ोन का कवर सेल कर रहे हो, लेट्स इमेजिन, और आपको नहीं पता कि मैं अपनी ऑडियंस में क्या टाइप करूँ, मोबाइल फ़ोन कवर टाइप करूँ या क्या टाइप करूँ, जिसके थ्रू जो मेरा ऐड है वो डायरेक्टली मोबाइल के कवर जो पसंद करते हैं लोग उन्हीं को शो हो, तो उसके लिए आपके पास सिंपल सा एक फ़ीचर है यहाँ पर ब्राउज का। आप ब्राउज के बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं, डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट और बिहेवियर है। अब डेमोग्राफिक्स में तो आ गया कि आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे अब क्या है जी कि अब मोबाइल फ़ोन का कवर स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं और सारे ही यूज़ करते हैं, मतलब कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा यूज़ करता है। उसमें आप अपनी एजुकेशन में, आप अगर स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हो तो एजुकेशन में आ जाओ, तो यहाँ पे आप एजुकेशन लेवल में आप चूज़ कर सकते हो कि अंडर ग्रेड या फिर स्कूल या फिर फील्ड ऑफ स्टडी किन लोगों को मेरा ऐड शो हो। अब चाहते हो कि जस्ट मुझे इंटर के स्टूडेंट्स को मेरा ऐड शो होना चाहिए, जिनकी जिन्होंने प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है कि आई एम इंट फर्स्ट लेवल आई मीन सेकंड लेवल, तो उनका अच्छे हो तो आप एजुकेशन लेवल में उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल आ गया आपके पास, उसके बाद आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एग्जैक्ट अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री वालों को, प्रोफेशनल डिग्री वालों को, इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो एग्जैक्ट ऑडियंस को। ये आगे डेमोग्राफिक्स में, अगर आप चाहते हो जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब हैं, उनको मेरा जो ऐड शो हो, कवर्स मेरे शो हो, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। या आप कोल्ड ऑडियंस बना रहे हो, जिन्होंने अभी तक आपका ऐड नहीं देखा, फर्स्ट टाइम उनको अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, इसके लिए आप आ जाओगे डेमोग्राफिक्स में इन चीज़ों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटरेस्ट का, कि अब अगर चलो लेट्स इमेजिन हमने स्कूल के लोग बच्चों को ऐड दिखाना है या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऐड दिखाना है, अब दिखाना तो है पर किनको दिखाना है। अब कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल है, कंप्यूटर है, टेक्निकल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अब आप चाहते हो कि मैं जस्ट जो मेरा ऐड है वो सिर्फ मेरा ऐड शो हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को या फिर इन तरह के स्टूडेंट्स को, तो फिर आप उसको भी यहाँ पे एग्जैक्टली टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ तो टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर चूज़ कर लिया, कंप्यूटर में अब यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मॉनिटर्स या आ गया, कंप्यूटर सर्विसेज आ गई, फ्री सॉफ्टवेयर, इस तरह के आप जो लोगों को इंटरेस्ट है आप में उनको टारगेट कर सकते हो, टैबलेट कंप्यूटर वगैरह, तो मैं टैबलेट कंप्यूटर को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्ट कंप्यूटर की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक सो कि मोबाइल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं मोबाइल, सो लेट्स सी, अभी मोबाइल फ़ोन्स आ गया, अभी इंटरेस्ट में शो हो रहा है बट हमें नज़र नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मोबाइल फ़ोन्स आ गया, हमने टैबलेट कंप्यूटर ऐड कर लिया, मोबाइल फ़ोन्स आ गया, और कवर्स यहाँ पे हम टाइप करते हैं, यहाँ पे कवर्स एक वर्ड है तो सही बट 7 लाख में आ रहा है, एडिशनल इंटरेस्ट कवर्स में पीपल आर इंटरेस्टेड, नहीं हम कवर्स को नहीं टाइप करें, वापस में मोबाइल फ़ोन ही टाइप करते हैं। मोबाइल कवर हम यहाँ पे टाइप करके देखते हैं, अगर मोबाइल कवर में आ रहा है तो। अब यहाँ पे फेसबुक से मोबाइल, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, और यहाँ पे आल मोबाइल डिवाइसेज आ रहा है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं बिहेवियर में, इस तरह से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो बिहेवियर का है। अब बिहेवियर में क्या है, बिहेवियर में ये कि अब के आपने जिनको ऐड दिखाया उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए आपके ऐड के साथ। अब मोबाइल डिवाइस यूज़र्स होने चाहिए, मतलब कि मोबाइल डिवाइस के यूज़र्स, अब किस तरह के मोबाइल वो यूज़ करते हैं जो लोग हैं, वो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, आल मोबाइल डिवाइसेज वो यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन या जस्ट टैबलेट्स यूज़ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो फीचर्ड फ़ोन है वो जस्ट यूज़ करते हैं, मेरे जो ऑडियंस है वो फीचर्ड फ़ोन यूज़ करती है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन उनके पास कौन सा होना चाहिए, 2G, 3G, 4G, तो मैं कहता हूँ उनके पास कोई भी हो, इट्स डजंट मैटर फॉर मी। अब ऑन मोबाइल कौन सा होना चाहिए, वन प्लस है, एप्पल के आप कवर दिखा रहे हो, सैमसंग के कवर्स आप सेल आउट कर रहे हो, कौन से कवर आप सेल कर रहे हो, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उनके पास टाइम कौन सा होना चाहिए, और मोर कैटेगरीज में आप आओ तो यहाँ पर लिखा मार्केटिंग ए पे, ये चीज़ों का भी हम नहीं टच करेंगे। उसके बाद ट्रैवल में फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, वो लोग जो कि ट्रैवल करते रहते हैं टाइम बाय टाइम, या फिर कम्यूटेटर्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, सोर्सेस हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बिहेवियर में आ गई, बट हम इन चीज़ों को टच नहीं करेंगे। आई थिंक हमारी इस टाइम पर जो मोबाइल फ़ोन की एड थी वो एग्जैक्टली बन चुकी है। अब देखो, अब जो मैंने कवर सेल करने में, कवर में किनको दिखाऊंगा, जिनकी 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स ओल्ड एज है, जो कि इंडिया में रहते हैं और जिनकी जो बिहेवियर है वो ऑल मोबाइल डिवाइसेस को सर्च करते हैं, फीचर फ़ोन को सर्च करते हैं, टैबलेट कंप्यूटर्स को सर्च करते हैं और मोबाइल फ़ोन को सर्च करते हैं, उनका इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, डेमोग्राफिक्स है, तो उनको मेरा ऐड शो होगा, तो मेरी एग्जैक्ट टारगेटेड ऑडियंस बन गई है। अब यहाँ पे मैंने हर जगह पे ऑडियंस में मोबाइल को चूज़ किया, तो इट डजंट मीन कि मेरा जो कवर है वो लैपटॉप वालों को शो होगा जो लैपटॉप सर्च कर रहे हैं फेसबुक पर, इस तरह से नहीं, जो मोबाइल सर्च कर रहे हैं, जिनके मोबाइल के ऐड शो होते हैं उन्हीं के बाद मेरा भी अब कवर का ऐड शो होगा, एंड देन मेरी जो ऑडियंस है वो एग्जैक्टली बन जाएगी, अब एक कोल्ड ऑडियंस बनेगी मेरी। अब जब कोल्ड ऑडियंस मेरी बन जाएगी, देन मैंने इसको बनाना है क्या, लुक अलाइक ऑडियंस के थ्रू मैंने
वार्म ऑडियंस बनाए हैं एंड हॉट ऑडियंस बनाए हैं, इन दो चीज़ों की बातें हम लोग बाद में करेंगे। सो अभी आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोग एग्जैक्ट कैसे टारगेट कर सकते हो। मोबाइल का कवर एक बहुत ही छोटी सी कैटेगरी है और इसको टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर आप एग्जैक्टली टारगेट करते हो तो। अब यहाँ पर अगर हम बजट की बात करें तो ये बजट है मेरा, अब 2100 का मैं डेली बजट प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। 2100 में क्या है कि जो मेरा थ्रू प्ले है 2.5K to 7.2K है। अब मैंने एक वीडियो बना ली छोटी सी शॉप में बैठ के या कुछ भी ऐसे करके, किचन में मोबाइल फ़ोन का कवर दिखा रहा हूँ, मोबाइल के ऊपर लगाया हुआ एक वीडियो बनी हुई है, तो उसमें मैं अब 2000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो मुझे मिल रहे हैं 2500 से 7000 तक। अब 7000 में से अगर हम एवरेज रखें, 5000 व्यू भी अगर हमें मिल रहा है उस वीडियो का जिसके अंदर मैं कवर को दिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरी कॉल्ड ऑडियंस से हट के वो मेरी वार्म ऑडियंस बन जाएगी, वो मेरे ऐड के साथ इंटरेक्ट करेगी। जब मेरी वार्म ऑडियंस बनेगी देन मैं उनको उन्हीं ऑडियंस को जिन्होंने इस ऐड के साथ मैंने टारगेट किया होगा उनको मैं टारगेट करके हॉट ऑडियंस बना के उनमें लीड के ऐड लगा के सेल्स ला सकता हूँ। सो दिस इज़ द स्वीट एंड शॉर्ट मेथड आप लोग अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो एंड अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।